अनन्या, अरे अनन्या कहाँ हो तुम? लगता है अनन्या कमरे में नहीं, यही सही मौका है। सॉरी अनन्या, वैसे तो किसी के रूम में बिना पूछे आना और तलाशी लेना अच्छी बात नहीं, मगर इस अंतिम युद्ध में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे यार, मैं तो यहाँ पर वो डब्बा रखने आया था, तुम कहीं दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने खुद ही रख दिया, लेकिन तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुसा है। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए वो कुछ खास लेकर आया था, तुम भी ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए डब्बा लेकर आया था पेड़ों से भरा, लेकिन तुमने तो मेरा ही पेड़ा बना दिया। मैं तो ये डब्बा वहां पर रख रहा था और तुम्हें लगा कि मैं ड्रॉवर खोल के सब चेक कर रहा हूँ। ड्रॉवर? कौन सा ड्रॉवर? मैंने तो ड्रॉवर के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये क्या फालतू बातें कर रही हो, ये लो तुम जलेबी खाओ। तुमने तो कहा था कि पेड़े हैं। पेड़े हैं, जले है तो मिठाई ना, इतना क्या स्ट्रेस ले रही हो? अरे वो क्या है ना, तुम इतने सारे सवाल पूछ रही हो तो तुम्हारे इन बातों ने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया। अब मैं जब बचपन में एग्जाम देने जाता था तभी मुझे ऐसा ही होता था, इतने सवाल मत पूछा करो। ये लो तुम ये खाओ। मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। मैं भी खुद खा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा था अनन्या, तुम वो ग्लोबल कॉलेज में जाती हो ना, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मुझे थोड़ा सजेशन दे सकती हो? मैं तुम्हें सजेशन दूंगी, तुम ना कोई काम धंधा ढूंढ लो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके भी तुम डब्बू ही रहोगे। मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो भी या नहीं? अरे मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हें पता होगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बताओ। आई डोंट नो। ओह रियली, चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम तुम्हारी कॉलेज में बहुत फेमस होंगी। नहीं क्यों? अरे क्योंकि तुम स्वैग से भरी हुई हो, मतलब तुमने कॉलेज में पहले दिन ही जाते कितने सारे दुश्मन बना लिए होंगे, है ना? दुश्मन नहीं, मेरे बहुत दोस्त है कॉलेज में। एंड वन थिंग आई अश्योर यू, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो अनु? देखो मैं तुम्हारे लिए पेड़े लेकर आया और तुम हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेने दोगी, दिस इज नॉट फेयर। अब लाओ मेरा डब्बा वापस करो। अरे पर वो तो तुम मेरे लिए लाए थे ना। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ पेड़े लेकर आया था, डिब्बा नहीं। ये मेरे कॉलेज के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है? आज रात 9 बजे मुझे कैरेज के पास मिलो, तुम्हारा फ्रेंड नकाबपोश। बेबू बन के ना सही, लेकिन नकाबपोश बन के तुम्हारी सच्चाई मैं जरूर निकालूंगा। वो माँ कहा था ना कपड़े डोनेट करने जा रहा हूँ। चले जाना मेरे दानवीर, लेकिन पहले डिनर तो कर लो। मम्मा बाद में करता हूँ ना माँ। अरे बाद में कब, अभी डिनर टाइम है, अभी करो ना, चलो आ जाओ। मम्मा विमान को बुला लेता हूँ। अरे उसने कर लिया है डिनर, तुम आ जाओ। पापा जी आप भी आ जाइए।
अगर मैं 9 बजे तक गैराज नहीं पहुंचा तो अनन्या वहां वेट करते करते अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देगी। अरे बेटा, तुम रात का डिनर खा रहे हो या खाने पे अटैक कर रहे हो? दादाजी, माँ ने इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। देखो इस तरह। तुम भी खाओ। नहीं बेटा, इस तरह नहीं। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। यानी हर निवाला 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, वरना खाने से हमें शक्ति नहीं मिलेगी। चलो। इतना स्लो चबाऊंगा तो डिनर खत्म करते करते कल का ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा। हेलो, अरे बग्गे तू, अरे खुते दे पुत्तर, कितने सालों बाद फोन किया। अच्छा क्या? अरे तू फिकर मत कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। चल। अरे बेटा, लंदन से बग्गे की बेटी आ रही है। हाँ तो आप उन्हीं के साथ खाना खाइएगा, मैं निकलता हूँ। अरे बैठ, वो आधे घंटे बाद आ रही है और वो अपने साथ ही इस घर में रहेगी। अरे बेटा, तू ये तो पूछ कि ये बग्गा है कौन। अब दादाजी आके पूछता हूँ ना, मैं वापस ही आ रहा हूँ। मैं आके। अरे नहीं नहीं बेटा, मगर तुझे बताने के लिए मैं इतना एक्साइटेड जो हूँ, तुझे अभी सुनना पड़ेगा। ये बग्गा मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अपना प्यार पाने के लिए वो हिंदुस्तान से लंदन चला गया और फिर शादी करके वहीं सेटल भी हो गया। अरे वाह, आपका ये दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हा? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है आजकल के लड़के लड़कियां 7 दिन में ब्रेकअप कर डालते हैं, जबकि मेरा प्यारा बग्गा अपना प्यार पाने के लिए लंदन पहुंच गया, 7 समंदर पार। 7 द्वीपों का नगर, उसके 4थे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अरे बेटा क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों आ गए? नहीं नहीं दादा, कोई टेंशन नहीं। वो तो बस मैं ये सोच रहा था कि 7 समुंदर सुन के मुझे 7 द्वीपों वाले शहर की याद आ गई। अरे 7 द्वीपों वाला शहर यानी अपना मुंबई? क्या ये मुंबई 7 द्वीपों वाला शहर है? हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता, अंग्रेज आने के पहले मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था, फिर अंग्रेजों ने उन 7 द्वीपों को शहर में रूपांतरित किया, मुंबई। इसका मतलब वो मंदिर मुंबई कहीं किसी आइलैंड में होगा। अरे वाह दादाजी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, थैंक यू सो मच। अरे देवू बेटा, खाना तो खा के जाओ। आई जस्ट हेट वेटिंग। 9 बजे का टाइम दिया था ना, काब पूछने भी 9:30 हो चुके हैं। कहीं किसी ने मेरे ऊपर प्रैंक तो नहीं कर दिया उसके नाम से? अपनी फ्रेंड को वेट करवाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? सॉरी अनन्या, बट यू नो मुंबई का ट्रैफिक इम्पॉसिबल। यू आर किडिंग राइट? ये कॉस्ट्यूम पहन के तुम रोड पे जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। बाय द वे, तुम्हारी बाइक कहीं पे नजर नहीं आ रही। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो भले ही वहाँ पर ट्रैफिक हो, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुँच ही जाता हूँ, भले ही फिर कितना ही रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब सच में तुम्हारी सुपर बाइक ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ, एक लड़का है, उसकी मदद करने के लिए मैं गया था। क्या नाम था उसका? देबू। मैं उसे ग्लोबल कॉलेज से भारत नगर छोड़कर आया और फिर डायरेक्टली यहीं पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया और इसलिए तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, तो डायरेक्टली मैं चलकर यहाँ आ गया। ग्लोबल कॉलेज तो मेरा कॉलेज है। हाँ, बताया मुझे उस देबू ने
और ये भी बताया कि तुमने आज उसकी कमर भी तोड़ दी थी। उस डब्बू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे आके मेरी कंप्लेन कर रहा है। सुनो, तुम उसकी बात पे ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि वो जेलस है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और उसकी नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, वो तुम्हारा नेबर है, तुम उसके घर के पास ही रहती हो, राइट? तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। उसे तो तुमने सब झूठ बोला है, लेकिन मुझे भी तुमने झूठ बोला। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है? मुझे तुम्हारा ये डाउटफुल टोन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे झूठे लोगों की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, इसलिए मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे और देवू को झूठ क्यों बोल रही हो, वरना मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। इतनी छोटी बात पे तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? झूठ एक पॉइजन की तरह होता है। अब पॉइजन चाहे इतना हो या इतना, पॉइजन तो पॉइजन ही होता है। मैं तुम्हें पॉइजन लगती हूँ? नहीं, लेकिन झूठ वही बोलता है जो सच बोलने से डरता है। तुम क्या सच छुपा रही हो अनन्या? ठीक है, अगर तुम में सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास सच उगलवाने के लिए हथियार भी हैं। मैंने उससे झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे उससे पीछा छुड़वाना था। What's the big deal? अगर big deal नहीं है तो तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा क्यों रही है, जो हमेशा चाबुक की तरह चलती है? सच सच बताओ वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी लड़की या कोई विलेन नहीं हूँ, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ उस निंदासा की। निंदासा? क्या बात है भैमार, तौबा तौबा, तुम दोनों आज बड़े वो लग रहे हैं। वो तैयार? लगता है भैरानी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बार भैरानी के दिमाग में एक दमदार योजना है, इसलिए तो हम ये आला, ये छुरी और तलवार लेकर एकदम तैयार है। बात करता कहाँ है दिमनासा? हंस क्यों रहे हैं? तो सवाल पूछा, इसका जवाब दो। बेमार, तुम्हारे जोश पर मुझे आज बड़ी वो आ रही है। वो हंसी? मतलब ये भैमार के इस बार हमें शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से लड़ाई करनी है। अरे लेकिन भैरानी, यहाँ पर तो मेरे पास और आपके पास बुद्धि बल है, बाकी दो तो खाली बोतल है। क्या बोला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी यही चालाकी एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगी तन्नासा। तुम्हारा ये अकेले पहाड़ तोड़ने का घमंड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ भैमार, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार मैंने अपनी काली सोच से भी परे एक योजना बनाई है। जब डाली मैंने तुमसे जो सामान मंगाया था तुम ले आए? हाँ भैरानी, ये रहे वो सोने के सिक्के। भैरानी, मैंने सुना है कि धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इन सिक्कों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। अब हम धरती पर जाएंगे और मेरे साथ भैमार आएगा। पता नहीं भैरानी के दिमाग में इस बार कौन सी नई योजना आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तिमनासा कालो की क्वीन है और उसी ने मेरी माँ को मारा है। क्या? हाँ नकाब पोष, मैं भारत नगर इसीलिए आई थी ताकि मैं बालवीर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी हेल्प मांग सकूं।
मुझे वो तो नहीं मिला पर तुम मिल गए। ओ, तो तुमने मुझे फ्रेंड इसलिए बनाया ताकि तुम अपना रिवेंज पूरा कर सको। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त समझने लगी हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ सिर्फ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ या फिर एनिमी। मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ और ना ही तुम्हें मानता हूँ। अब रोना बंद करो। ओके, पर क्या तुम प्लीज ये रस्सी का फंदा गायब कर सकते हो? चिंता मत करो, ये तो मामूली रस्सी है। तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बहुत बड़े वाले ब्लफ मास्टर निकले। अब तो तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लोगे? मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ। अभी फिलहाल तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर आगे जाके डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाऊंगी। देखो अनन्या, मेरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है और आगे जाकर मैं इस पर अकेला ही चलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा और मेरा एम एक ही है, तिमनासा को खत्म करना। आई अंडरस्टैंड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तिमनासा का डीएनए कैसे करोगे? ऐसा कौन सा वेपन मिल गया है तुम्हें? असली वॉरियर अपने वेपन के बारे में किसी को नहीं बताते। चिंता मत करो अनन्या, बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी प्रॉमिस जरूर पूरी करूंगा। जल्दी ही मिलेंगे। कोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने नकाबपोश के सामने नकली आंसू बहा के उसका दिल पिघला दिया है। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। ठीक है, जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। अंतिम लक्ष्य? तिमनासा किस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी? अरे विवान, तुम अभी तक तकिया ही लगा रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी करो। हाँ। वहाँ पे धूल लगी है, साफ करो। चलो। हाँ। अरे बहू, ये लोग आते ही होंगे, तुम एक काम करो, चाय रखो। चाय कॉफी पता नहीं ये लोग क्या पीते होंगे। बहू, तुम चाय कॉफी दोनों रेडी रखो। ओहो, दादाजी तो ऐसे टेंशन ले रहे जैसे क्वीन विक्टोरिया आने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आई विश कि 20 साल बाद कुप्पू भी मेरे लिए इतना ही एक्साइटेड हो जितना आप अपनी चाइल्डहुड बड़ी की बेटी के लिए हैं। सही कहा विवान, बचपन की दोस्ती कभी नहीं टूटती। अरे तुझे पता है, मेरी और बग्गा की जोड़ी तो विक्रम और वेताल की जोड़ी से भी बढ़कर थी। अरे बहू,
हाँ, तुमने इन लोगों के खाने पीने की सब तैयारियां ठीक से की है ना? आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, सब कुछ रेडी है। लगता है वेताल की बेटी आ गई। आई मीन आपकी गेस्ट आ गए। बहू फूल फूल फूल। पोना अंकल, कैसे हैं आप? हाय। तमन्ना, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.